नमस्कार दोस्तों, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में मंथली अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, आज हम उनको सीखेंगे। दोस्तों, मंथली अकाउंट बनाना आप तभी सीख सकते हैं जब गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स के आर्टिकल 24, 25 और 26 की आपको नॉलेज होगी। जब आप अपने ऑफिस में कोई भी बिल बनाते हो, रिसीट वाउचर बनाते हो, पेमेंट वाउचर बनाते हो, तो आपको एक हेड चूज करना पड़ता है। ये हेड क्या होते हैं और कौन सा हेड किस पर्पस के लिए यूज होता है, किस तरह से इनकी डिवीजन की गई है, इन सब के बारे में इन आर्टिकल्स में बताया गया है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। वीडियो को अभी कंटिन्यू करेंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल सके। एक गवर्नमेंट सेक्टर या कमर्शियल सेक्टर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, तो वो कितनी प्रकार की हो सकती हैं? तो सबसे पहली टाइप की ट्रांजैक्शन देखिए, मान लीजिए कोई जर्नल बिजनेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके रिगार्डिंग कोई जर्नल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है या उसके रिगार्डिंग उस डिपार्टमेंट की इनकम हो रही है, तो उसको हम रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसी तरह से जो पहली कैटेगरी रखी गई है गवर्नमेंट अकाउंटिंग में भी, वो रेवेन्यू हेड्स की रखी गई है। सेकंड टाइप में कैसे एक्सपेंडिचर और कैसी रिसीट हो सकती है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई कमर्शियल बिजनेस है, तो उसकी जो बिल्डिंग है उसकी अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसके एसेट बढ़ रहे हैं, तो जिस भी एक्सपेंडिचर से फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज होते हैं या एडिशन और अल्टरेशन होती है, तो उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो सेकंड कैटेगरी में कैपिटल हेड्स रखे गए हैं। थर्ड कैटेगरी में पब्लिक डेट, लोन्स एंड एडवांसेस रखे गए हैं। इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन आ सकती हैं? जैसे मान लीजिए सरकार ने किसी को उधार दे दिया या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लोन दे दिया, तो इस तरह की ट्रांजेक्शन इन हेड्स में रिकॉर्ड होगी। फोर्थ कैटेगरी में कंटेंजेंसी फंड है और फिफ्थ कैटेगरी में पब्लिक अकाउंट रखे गए हैं। फिफ्थ कैटेगरी को और डिफाइन करे तो पब्लिक अकाउंट में कैसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, जैसे कि कोई प्रोविडेंट फंड की रिकॉर्डिंग होती है, और सस्पेंस हेड्स भी इन्हीं में आते हैं। आपने याद रखना है कि रेवेन्यू रिसीट्स हेड 0020 से लेकर 1999 तक होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेड 2011 से लेकर 3999 तक होते हैं। कैपिटल रिसीट में 4000 हेड है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के 4046 से लेकर 5999 तक हेड्स हैं। पब्लिक डेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस में 6001 से लेकर 7999 तक हेड्स बनाए गए हैं। कंटेंजेंसी फंड हेड 8000 है। पब्लिक अकाउंट हेड 8001 से लेकर 8095 है। आपने ये भी याद रखना है कि एक मेजर हेड 4 डिजिट का होता है और अगर कोई हेड 0 या 1 से शुरू हो रहा है तो वो रिसीट हेड है, और अगर 2 या 3 से शुरू हो रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेड है। 4 या 5 से शुरू होने वाले हेड कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हैं, और 6 और 7 से शुरू होने वाले हेड्स लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड हैं, और लास्ट में 8 से शुरू होने वाले हेड कंटेंजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड हैं। अब इसमें देखिए एक ट्रिकी मेथड भी है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का रेवेन्यू रिसीट हेड 0059 है। हम इसके लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट में 2 को ऐड करेंगे तो 2059 आता है, तो ये वाला इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेड है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेड के लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट में फिर से 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 4059, तो ये इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर हेड है। तो इस तरह से आप रेवेन्यू रिसीट हेड को याद रख के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के हेड फाइंड आउट कर सकते हैं। पर आपने एक बात यह भी याद रखनी है कि कुछ डिपार्टमेंट्स के रिसीट हेड नहीं है या एक्सपेंडिचर हेड नहीं है या कैपिटल हेड नहीं है, तो उनकी लिस्ट आपने याद रखनी है।